विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पोल पर चढ़कर काम कर रहे लाइनमैन को करंट लग गया। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक और लाइनमैन करंट लगने से झुलस गया। बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नगर निवासी ज्ञानेंद्र कुमार लाइनमैन सिगरा नगर निगम विद्युत उपकेंद्र के समक्ष पोल पर चढ़कर कार्य कर रहे थे। इस बीच उन्हें करंट लग गया, जिससे उनका दाहिना हाथ झुलस गया। सब स्टेशन ऑपरेटर नीरज कुमार झा का कहना है कि दो फीडर बंद थे, जबकि एक फीडर चालू था। इस बीच लाइनमैन को करंट लग गया। वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही से इससे पूर्व भी हुई मौतों के संदर्भ में जब सवाल किया गया कि उनके लिए क्या काम हुए, तो सब स्टेशन ऑपरेटर का कहना था कि ये अधिकारी करेंगे, यहां से वो जो भी कर सकते हैं करते हैं। कैसी घटना हुई यहाँ पर? सर, ये है कि जैसे मेरा ब्रेकडाउन था, वो फीटर ब्रेकडाउन था, तो दो फीटर का शटडाउन मतलब यहाँ से लेके गए थे। मेरा एक फीटर जो कि बैंक कॉलोनी है, उसमें भी 10 एम्पीयर की लोड जा रहा था, उसका शटडाउन उसने नहीं लिया था। और जो है उसके बाद शटडाउन वहाँ ट्रिप हुआ, यहाँ ट्रिप रिले भी बता रहा है, ट्रिप हुआ उसके बाद। क्या घटना हुई, किस तरह से? उस समय हमारे अधिकारी थे, मतलब जेई हैं, जेई साहब और बड़े साहब थे। करंट किसको मारा है? ज्ञानेंद्र कुमार हैं, लाइनमैन हैं। कहाँ रहते हैं? रहते हैं बगल में ही हैं, जयप्रकाश नगर है। कितनी उम्र है? 30 साल करीब होगा। तो लाइन कटी हुई थी जी सर, शटडाउन था, लॉक सीट पर भी शटडाउन की हैं। मनीष जी शटडाउन लिए थे, शटडाउन उनका नहीं था, हम दूसरे किसी का था शटडाउन। अचानक फिर महसूस कर गया क्या सर? अचानक सर वो फीटर का शटडाउन ही नहीं लिए थे बैंक कॉलोनी का। अब तक कितनी जान जा चुकी है सर? 2 या 3 जा चुकी है सर। दो कुछ आपने किया क्या सर इसके लिए? कुछ किया आपने तक? सर वो तो अधिकारी ही करेंगे सर ना, मेरे यहाँ जो हम कंट्रोलिंग यहाँ कर सकते हैं वो करते हैं यहाँ पे।